हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप सभी को सेमेस्टर थर्ड का रिजल्ट कब आएगा सो बताने वाले हैं, ठीक है। सेशन आप लोग का 22/26 सेशंस और इतना लेट चल रहा है, आप लोग का क्या ही कहें, ठीक है। लेकिन अभी हम बताएंगे सेमेस्टर थर्ड का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल में नए होंगे तो जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो समय है ना, इस मेहनत का समय है, ठीक है। इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है आप लोग को, इसमें ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मेहनत क्या कीजिएगा, सेमेस्टर फोर के लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सेमेस्टर थ्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद सेमेस्टर फोर का तैयारी करेंगे, तो ये आपका हो सकता है कुछ हद तक सही, लेकिन जो स्टूडेंट्स चाहते हैं बढ़िया परसेंटेज आए और बढ़िया कॉलेज में पीजी में करवाएं या बीएड में काउंसलिंग के टाइम या फिर पीजी में एडमिशन के टाइम आपको कहीं ना कहीं छटा जाइएगा, ठीक है। नंबर कम रहेगा तो और दिक्कत भी होगा आप लोग को नंबर कम रहने से, इसलिए बता रहे हैं कि अभी सेमेस्टर फोर का तैयारी करने का समय दिया गया है, न कि सोचने का, ठीक है, कि क्या सेमेस्टर थ्री का कब, सेमेस्टर फोर का क्या होगा, सेमेस्टर थ्री का क्या होगा, ठीक है। देखने से रिजल्ट कब आएगा, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और हम बताए थे कि अक्टूबर में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हम तो बताए थे स्टूडेंट्स कि अक्टूबर में आ जाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि नहीं। और लेकिन देखिए, कॉलेज जो है सो थोड़ा सा मतलब ढीला काम कर रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। इसमें जो है ना, सारा टीचर लोग का दोष है, कहीं ना कहीं वो सब लेट से कॉपी चेक करते हैं या फिर लेट से एग्ज़ाम लेते हैं या फिर लेट से सारा प्रक्रिया करते हैं। इसमें कर्मचारियों की गलती है, ठीक है। उन्हें चाहिए कि थोड़ा और जल्दी काम करें। और इस बार एक और प्रॉब्लम रहा कि वोटिंग वगैरह आ गया, उसके साथ में बहुत सारा त्यौहार रहा, त्यौहार के कारण भी तो लेट हुआ, बहुत सारा बंदी था ना, तो उसके कारण जो है सो लेट हुआ सेंस, ठीक है। और साथ ही में गर्मी भी बहुत ज़्यादा था, उसी टाइम आप लोग का एग्ज़ाम भी तो लिया गया था लगभग, ठीक है। तो गर्मी में भी आदमी को भी चेक करने में हालत ख़राब हो जाता है, तो हो सकता है ये सारा कुछ प्रक्रिया आप लोग को देर होने में ये कर रहा होगा, ठीक है, सपोर्ट कर रहा होगा। ये रह गया बात का बात, अब तो आप लोग को रिजल्ट का इंतज़ार है, ठीक है। और रिजल्ट आप लोग को अक्टूबर में बोले हैं तो अक्टूबर में ही मिलेगा, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल भी धैर्य नहीं खोना है, अक्टूबर में बोले हैं तो अक्टूबर में ही मिलेगा, हो सकता है लास्ट अक्टूबर में मिले, लेकिन अक्टूबर में मिलेगा, ठीक है। बहुत ही कम चांसेस है कि नवंबर जाए, ठीक है, अक्टूबर में ज़्यादा चांसेस है कि मिलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग वेट कीजिए, ठीक है, और कब आएगा वो दिन। और सबसे पहले आप लोग को इसी चैनल में आप लोग को बताएँगे कि कैसे क्या कुछ करना है, ठीक है। सर जैसे आएगा रिजल्ट सबसे पहले बताएँगे, तो आप लोग चैनल को धड़ाधड़ करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि तुरंत आप लोग देख पाएँ। और जैसे ही देख लीजिए आप लोग को एक मन में विश्वास आ जाएगा कि हाँ हम भी पास कर चुके हैं या फिर ये कर चुके हैं या वो कर चुके हैं, तो उसी के अनुसार आगे का तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और बात रह गया तैयारी का, तो हम सारे सब्जेक्ट का तैयारी करवाते हैं और वो भी कम से कम फीस में। तो आप लोग क्या कीजिए, हमको कांटेक्ट करके हमारे जो क्लासेज हैं उसमें ज्वाइन कीजिए, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले बार बोल रहे थे कि खोटा का नहीं है सर या फिर मैथ का नहीं है, तो वो सब का भी कर दिए हैं, ठीक है। जो मेन सब्जेक्ट है जैसे आपका कुछ भी रहे चलेगा, कॉमन सब्जेक्ट भी सारा मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। माइनर भी सारा अवेलेबल, माइनर वोकेशनल से जो लेना है, एजी पेपर भी है, यानी कि सारा ए टू जेड मेरे पास अवेलेबल है सारा का नोट्स, ठीक है। तो आप लोग को जिस मीडियम में चाहिए, जिस भी चीज़ का चाहिए, सारा मिल जाएंगे, ठीक है। और सिर्फ सेमेस्टर थर्ड या सेमेस्टर फोर्थ के लिए नहीं बोल रहे हैं, सेमेस्टर फोर ही के लिए नहीं बोल रहे हैं, सारा सेमेस्टर वालों के लिए मेरे पास नोट्स अवेलेबल है। या फिर अगर आप चाहते हैं अवेलेबल करवाना, तो तुरंत जैसे आप कॉल कीजिएगा उसके पेमेंट के साथ ही आप लोग को मिलते ही जाएंगे नोट्स बन के, ठीक है। यानी ये आधा घंटा में वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा, आधा से एक घंटा में, ठीक है। तो आप लोग को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए सन्स, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा सन्स, और चैनल में नए हैं तो एक बार फिर बोल देते हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है सन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब जय हिंद, वंदे मातरम।